मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जहां पे कई सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है। ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है जहां पे 9 से जॉब शुरू होती है, 5 बजे खत्म हो जाती है। मार्केटिंग जॉब में हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है और सीखना भी चाहिए। यहां पे अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर आप कैसे बात करोगे, कैसे सोचोगे, कैसे लोगों को हैंडल करोगे, आपके नीचे के लोग और ऊपर के लोग, इन लोगों के साथ कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करोगे, ये सारी चीज बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये सारी चीजों का बहुत मायने रखता है मार्केटिंग में। ये ऐसी जॉब है जहां पे हमेशा अलर्टनेस की जरूरत है। आइए आज मार्केटिंग के कुछ ऐसे बात हम डिस्कस करेंगे जिसे आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा और आप ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान देकर आप मार्केटिंग में बहुत ज्यादा चेंज कर सकते हो। चाहे आप मार्केटिंग कर रहे हो, कोई गुड्स बेच रहे हो या कोई सर्विस बेच रहे हो, या आप खुद की बिजनेस कर रहे हो। हाय, मैं हूं सुदर्शन मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मार्केटिंग मैनेजर। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बेस्ट मार्केटिंग और मोटिवेशनल वीडियो सुनने के लिए मिले। और सब्सक्रिप्शन के बाद आप नीचे दिए गए बेल को जरूर दबाएं ताकि मेरे अगले फ्रेश वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिले। आज मैं मार्केटिंग के 3 गोल्डन रूल्स आपको बताऊंगा। मार्केटिंग के कई सारे चीजें हैं जिसको आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे, कैसे आप बात करोगे, कैसे कस्टमर हैंडल करोगे, कैसे आप अपने पर कॉन्फिडेंस रखोगे, ये सारी चीजों की हम बात करेंगे। आज हम 3 चीजें डिस्कस करेंगे जो मार्केटिंग के गोल्डन रूल्स है। वो है, आप कैसे दिखते हो, आप कैसे देखते हो, आप कैसे सोचते हो। मैं ये मार्केटिंग का कोई बुक से नहीं बताता हूं क्योंकि मैं खुद मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूं, पर बुक से ज्यादा मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस ज्यादा काम आती है। ये 3 एक्सपीरियंस बेस्ट चीज है। हाउ यू लुक्स, व्हाट इज योर लुक्स, हाउ यू थिंक, दीज आर द 3 गोल्डन रूल ऑफ मार्केटिंग टू बी सक्सेस। नंबर 1, आप कैसे देखते हो। आप देखो, कहीं पे भी मार्केट में जाते हो, आप कोई चीज खरीदना चाहते हो, प्राइस लगभग सभी का सेम है, पर आप वही चीज खरीदते हो जिसका पैकिंग अच्छा है, मॉलिक्यूल सेम है, चीज सेम है, फिर भी जो मार्केटिंग का सबसे बड़ी चीज होता है उसका आउटलुक, उसको पैकिंग। तो आप जब मार्केटिंग करने जाते हो, आपका लुक्स बहुत ज्यादा मायने रखता है। लुक्स में बहुत सारे चीजें आते हैं, आप आगे चलकर उसको मैं डिस्कस करूंगा। योर कम्युनिकेशन, योर बॉडी लैंग्वेज, योर पोस्चर एंड गेस्चर्स, ये सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। फिर भी आपके लुक्स, आप कैसे पहनते हो, आप कैसे बोलचाल रखते हो, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। चाहे कपड़े बहुत ज्यादा कॉस्टली ना हो, पर वो वेल ट्रिम्ड हो, साफ सुथरा हो, प्रेस्ड हो, इस सारी चीजों का आपको ध्यान देना चाहिए। आपका बाल वगैरह, आपका जूते वेल पॉलिश्ड हो, ये सारी चीजों को नंबर 1 पॉइंट में ये आता है क्योंकि आपका लुक्स जो है वो इंप्रेशन क्रिएट करता है। कोई लोग, कोई इंसान वो बाद में चीज खरीदेगा, चाहे आप बेचने जा रहे हो, सर्विस हो, एलआईसी पॉलिसी हो, आप कोई एजुकेशनल चीज हो जिसको आप सर्विसेज बोलते हैं, या आप कोई गुड्स हो, एमएनसी के प्रोडक्ट्स हो, कुछ भी प्रोडक्ट्स हो, बेचने से और खरीदने से पहले एक इंसान आपका लुक्स देखता है। नंबर 1 में आता है आपका लुक्स। उसका जितना हो सके आप रोज थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर काम करें, बिट बिट छोटी छोटी हिस्सा करके उसके ऊपर काम करें, आपके लुक्स के ऊपर। नंबर 2, हाउ यू लुक, आप कैसे मार्केटिंग को देखते हो, आपकी नजर में कैसा है। मार्केटिंग ऐसी चीज है, रोज कुछ ना कुछ
छोटे मोटे, कभी कभी बहुत कंफर्टेबली भी चलता है, कभी कभार छोटे मोटे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। आप वो प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हो, आप कैसे देखते हो? आप अगर उस प्रॉब्लम से हारते हो, रोज उस प्रॉब्लम से आप पीछे हटते हो, तो मार्केटिंग में आप सफल नहीं रहोगे, चाहे आप बिजनेस खुद का बिजनेस हो या आप मार्केटिंग कर रहे हो। प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीखें, क्यों? प्रॉब्लम को हैंडल करते करते आप एक्सपर्ट बनोगे। आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जब तक प्रॉब्लम को हैंडल करने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप एक्सपर्ट नहीं बनोगे। आप प्रॉब्लम को कैसे देखते हो, हाउ यू लुक द प्रॉब्लम्स, ये नंबर टू। इसके ऊपर भी थोड़ा काम करिए। नंबर थ्री, हाउ यू थिंक, आप कैसे सोचते हो। आप चाहे आपका कंपनी के बारे में हो या खुद के बारे में हो, आप अगर चाहते हो कि मेरी सोच इतने में रहना चाहिए, आप अगर छोटी सी सोच के अंदर रहना चाहते हो, आप मेरे कंपनी का टर्नओवर इतनी होनी चाहिए या मेरे सैलरी इतनी होनी चाहिए, आप उतने में ही रह जाते हो। सोच थोड़ा बड़ा करना चाहिए। हाउ यू थिंक, आप कंपनी को कहां लेना चाहते हो, आप खुद को कहां लेना चाहते हो, कौन से लेवल तक लेना चाहते हो, क्योंकि आप जैसे सोचते हो ना, ऐसे वर्क आपके माध्यम से होता है, ऐसे एनर्जी आती है, ऐसे काम भी होता है, और आप जैसे काम करते हो ऐसे आपको सक्सेस मिलता है। ये तीन गोल्डन रूल्स है। आप अगर इसके ऊपर काम करते हो ना, आप चाहे बहुत ज्यादा आपके नॉलेज हो या ना हो, क्योंकि मेरे पास बोथ है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज भी है, मैं देखा हूं पिछले 10 साल से, आज मार्केटिंग मैनेजर में देखा हूं, कई सारे सेशन लेने के बाद में देखा हूं कि आपके पढ़ाई से ज्यादा ये आपका जो कैरेक्टर है, आपके जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो बिजनेस में बहुत ज्यादा काम आता है। तो आशा है, मेरा आई एम होपिंग दैट यू विल इंप्लीमेंट ऑल दिस थिंग्स। आप इसको पूरा आपके काम में लगाएंगे और मार्केटिंग में आप एक बेहतरीन स्थान आपके लिए बना पाओगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, कैसे अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे अपना बॉडी लैंग्वेज रखेंगे, कैसे कस्टमर हैंडल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।